तो, तो, तो साउंड तो वगैरह तो। सब सही है ये एवरीथिंग इज़ फाइन आप लोग बताइए सर कैसा रहा ईद आप लोग का क्या बताएं सर लग गया ना जैसे ईद आया ही नहीं अगले ही दिन आप लोगों को ईद ही दे दिया आप लोगों को एक तोहफा दे दिया राइट तो लॉकडाउन का आप लोग तो सर मस्ती में है जो प्रॉब्लम हुआ वो हमारा हुआ है आपके पेरेंट्स का हुआ है आपके स्पेशली पापा का हुआ उनका टेंशन से हालत ख़राब हो गया होगा सेकेंड लॉकडाउन हो गया आप लोगों का क्या है चलो मोबाइल नेटफ्लिक्स कुछ लोग तो अज है सर लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो बोलिए सर डेटा ख़त्म हो जा रहा है पूरा बताइए और आगे क्या मतलब आप समझ रहे हो समझ रहे हो मतलब क्या है इसका इसका मतलब ये कि पढ़ाई इज लेस इम्पॉर्टेंट रदर दैन दो आप देखते हैं डिटेल में नहीं जाऊंगा जो अच्छे लोग अच्छे अच्छे से देखेंगे बट वो चीज़ ज़्यादा नेसेसरी है एजुकेशन के लिए डेटा आप यूज़ नहीं करोगे डेटा इज़ मोर इम्पोर्टेंट दो तो जो भी है सर यही दुनिया है दुनिया के साथ चलना है तो थैंक यू सो मच सर स्टार्ट करते हैं सर वेलकम टू आर क्लास तो हमारा सर क्लास ये लॉकडाउन रमज़ान ईद में काफ़ी स्लो चल रहा है एंड तो सॉरी सर बट अभी यही है कि सर हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे और लाइव अगर नहीं हुआ देन आई एल डेफिनेटली अपलोड ऑल दी वीडियोज़ तो आप लोग का क्लासेस वगैरह कुछ भी मिस ना हो तो so सर हमारा तीन बेसिकली आप लोग का बी कॉम फोर्थ सेमेस्टर में जो मेन है डेट इज़ टैक्स कॉस्ट बाकी उसके बाद दो थोरिटिकल टॉपिक हैं डेट इज़ इकोनॉमिक्स और एक आपका हो गया इंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट एंड एथिक्स क्योंकि काफ़ी ईजी है ठीक है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो आप लोग बेसिकली फोर टू तो फाइव क्लासेस में वो कम्प्लीट हो जाएगा तो जब तक का लॉकडाउन है सर जब तक आप लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते मेरे पास देखने के लिए बातें करने के लिए अपने तो लोग की डिस्टेंस वाला जो एजुकेशन है वही अपने लोग करेंगे ठीक है तो सर बजट एंड बजटरी कंट्रोल ये हमारा टॉपिक चल रहा था अगर आप लोग को याद होगा कि हमारा जो होल टॉपिक क्या है इट मी जस्ट रिवाइंड यू समझ में आया कि कहाँ तक हमारा हो चुका है सर कहाँ तक अपने लोग ने किए थे और कौन कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है और क्या बाकी है एक बार अपने लोग कर लेते हैं सर तो सर ये हमारा सिलेबस था तो जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आप लोग का शारिक सर आप लोग को करवा रहे हैं राइट right? और आई गेस इनका भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है थ्री टू फोर क्लासेस हो चुका है इनका तो जिन लोग ने क्लासेस नहीं किया है प्लीज़ आपके मोबाइल ऐप में विद इन द बैस सेक्शन पे जो लाइव सेक्शन है ना वीडियो का वहाँ पर अपलोडेड है तो काइंडली उनका जाके वीडियोज़ देखिए और इसको कंप्लीट करिए देखिए लॉकडाउन में आप लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स और ये सब के लिए टाइम वेस्ट मत करिए इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए कुछ सीखने के लिए जैसे मैं सीख रहा हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ डेली बेसिस में सेंस ऑफिस वगैरह बंद है जो रहता है घर से कर लेता हूँ क्लाइंट से हैंडल वगैरह हो जाती है जो भी है नहीं है बट मील वैल सर कुछ नया सीख रहा हूँ एंड ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है कुछ आगे बढ़ने के लिए इन जब वो पूरी सीख जाऊँगा देन आई विल वेट एंड लेट यू गाइस टू हेल्प यू ऑन दैट और फिर मैं आप लोगों को भी इन इन्वॉल्व करूँगा बट टिल दैट जब मैं जब तक कम्फर्टेबल नहीं हो जब मैं खुद भी सैटिस्फाई नहीं हो और कुछ कर लूँ देन गाइस लेट यू नो ऑल तो सर हमारा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हो गया था एक बार उसको देख लीजिएगा कहाँ तक बाकी बचा है नहीं बचा अपने लोग देख लेते हैं नाउ सर मैं स्टार्ट किया था बजट एंड बजटरी कंट्रोल तो सर बजट हमारा चल रहा था और उसके बाद में स्टैंडर्ड मार्जिनल और ये शॉर्ट टर्म डिजन सिर्फ पाँच से छः चैप्टर है सर आपके सिलेबस में तो सर बजट अपने लोग स्टार्ट कर रहे थे अगर आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बताया था बजट बजट क्या होता है सर तो बजट क्या होता है बेसिकली कौन बताएगा बोलिए नहीं बताऊंगा सर खुद से बात कर रहा हूँ तो सर बजट क्या होता है बेसिकली बजट ये होता है ना कि कोई भी फ्यूचर का आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो आप फ्यूचर का प्रडिक्शन कर रहे हो कि हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे आने वाले टाइम में मेरा कितना एक खर्चा होगा कितना एक्सपेंसेस होगा ये मे सारा चीज़ आप डिस्कशन करोगे ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे आने वाले टाइम पे क्या होगा इंडिया में आने वाले टाइम पे आप लोग क्या करोगे है ना और कुछ पता नहीं है सर आइडिया अभी पूरा इंडिया पोला ब्लैंक खेल रहा है राइट पूरा ब्लैंक है अपने लोग बिकॉज जॉब नहीं है वैकेंसीज नहीं है ठीक है इम्प्लॉयमेंट uh, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों के पास पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी कम हो गया है ड्यू टू यू वायरस एंड गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट एंड ऑल तो फ्यूचर सर काफ़ी अंधेरे पे है मैं झूठ नहीं बोलूंगा बट हाँ डिजिटल वर्ल्ड काफ़ी इंप्रूव हो रहा है Uh, मतलब डिजिटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है तो आप लोग के पास वर्क है तो थोड़ा सा डिजिटल फील्ड वगैरह में थोड़ा अपना माइंड वगैरह लगाइए ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में काम आएगी नाउ सर हमारा सर बजट क्या है तो सर बजट अपने लोग बिजनेस फल्ड में ये बोलते हैं ना ये खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होता है कि बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से जो आपका पिछले साल हो चुका है उसके बेसिस पे आप आने वाले साल का प्रडिक्शन करते हो और बेसिकली आप अपना एक कॉस्ट बनाते हो कि मेरा अभी इतना लग रहा है आने वाले टाइम पे मेरा कॉस्ट इतना लगेगा आप पिछले साल मेरा कैश का इतना रिक्वायरमेंट है आने वाले टाइम पे आने वाले मंथ में मेरे पास हर महीना कैश का कितना रिक्वायरमेंट होगा ठीक है मटेरियल मेरा पिछले हिसाब से पिछले साल से इतना लग रहा था पिछले मंथ पे इतना लग रहा था अभी आने वाले मंथ में मेरे तो... मुझे मटेरियल का कितना रिक्वायरमेंट होगा डैट इज अ मेटेरियल बजट लेबर को अपने लोग कितने और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं दैट इज़ अ लेबर बजट कैश मुझे आगे चल के कितना लगेगा आने वाले छः महीने में चार महीने में हर महीने पे कितना मेरा रिसिप्ट होने वाला है कितना मेरा पेमेंट होने वाला है दैट इज़ कैश बजट राइट और और आपका एक रहता है सर फ्लेक्सिबल बजट तो सर फ्लेक्सिबल बजट बेसिकली क्या मैं आपको बता दूं काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सपोज किसी भी मैनेजमेंट का दस हज़ार दस हज़ार उसका टोटल कैपेसिटी है कि वो दस हज़ार बेस्ड ऑन दी मशीनरी एंड लेबर इंशर के हिसाब से उसका टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसको बोला जाता है वो टेन थाउजेंड है डैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी हाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब एक फैक्ट्री में कितना टाइम लगता है मतलब कितना वो यूनिट बना सकता है डैट इज कॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी बना सकता है और बनाने में फ़र्क है बना सकता है वो टेन कैपेसिटी लेकिन उसको डिमांड के हिसाब से बनाना पड़ेगा राइट right. डिमांड के हिसाब से वो कम बनाता है बिकॉज अगर धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगा तब वो अपना इंक्रीज करेगा एंड वन जब कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा डिमांड पे बढ़ गया तब वो फिर नए नए मशीन वगैरह लाता है राइट right? वो अलग खेल है सर अभी आप समझोगे दस हजार में से अभी वो केवल पांच हजार का ही यूनिट बनाता है तो इसका मतलब उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी एट फिफ्टी परसेंट पे कितना है तो फिफ्टी परसेंट पे वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है अपना तो बिजनेस के हिसाब से उसका मेटेरियल लेबर ओवरहेड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर का ऑलरेडी लिस्ट उसके पास है तो उसके पास टोटल कॉस्ट ऑलरेडी बन चुका है एज पर दस्ट स्टेटमेंट फॉर दाइव थाउजेंड यूनिट पांच हजार यूनिट के लिए सर पांच हजार यूनिट के लिए उसके पास ऑलरेडी बन चुका है कॉस्ट उसके पास रेडी है नाव अब वो अब वो जानना चाह रहा है कि आने वाले टाइम पे आने वाले टाइम पे अगर उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया सपोज उस उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 6000 हजार हो गया या फिर उसका पांच हजार हो गया या फिर उसका आठ हजार हो गया या फिर दस हजार तक पहुंच गया तो फिर उसका कॉस्ट क्या होगा तो बेस्ड ऑन दी एक्चुअल प्रेजेंट कैपेसिटी के हिसाब से आपको बजटेड कैपेसिटी के हिसाब से आपको टोटल कॉस्ट निकालना है जो कि अपने लोग सीखेंगे फ्लेक्सिबल बजट में कहां पे सीखेंगे फ्लेक्सिबल बजट में क्लियर है तो बेसिकली तीन बजट आपको सीखना है सर कितना बजट सीखना है तीन बजट सीखना है नंबर वन कैश बजट फ्लेक्सीबल बजट और एक होता है सर फंक्शनल बजट जिसको अपने लोग फिक्स बजट भी बोल सकते हैं सॉरी है, ये फंक्शनल बजट ये तीन बजट अपने लोग को सीखना है कैश बजट फ्लेक्सिबल बजट एंड फंक्शनल बजट ठीक है तो अगर आप लोगों को याद होगा सर कैश बजट अपने लोग ने सीख चुके हैं अगर आप लोगों को याद होगा कैश बजट कर चुके हैं होमवर्क भी मैंने बहुत सारा दिया था और आई डोंट नो कितने लोग होमवर्क किए हैं नहीं किए हैं कौन क्लास कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ पता नहीं है सर कुछ आइडिया नहीं है कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है ठीक है और फीस भी नहीं मिल रहा है भाई थोड़ा तो धन दो उसके पीछे भी ठीक है तो सर अपने लोग ही स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल बजट कैश बजट हमारा कंप्लीट हो चुका है जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके वीडियो देखिए और कैश बजट को कंप्लीट करिए और होमवर्क करिए और होमवर्क कर लेने के बाद में वो होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है तो मुझे तंग करिए मुझे परेशान करिए आप लोग परेशान नहीं कर रहे हैं ना इजली मुझे हजब सा लग रहा है कोई कॉल नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा कोई याद नहीं कर रहा है बताओ एक टीचर को याद कौन करता है शादी होने के बाद वो याद एक टीचर होने के बाद कौन लोग याद करेगा बताओ तो आप लोग ही याद करोगे सर आप लोग कोई कॉल नहीं करते हो मैसेज नहीं करते हो हाल चाल नहीं पूछते हो वो ज़माना ख़त्म हो गया सर जो अपने लोग कॉल करते हैं ना कॉल करके टीचर को ना मतलब प्रेजेंटली विश करते हैं मतलब कॉल करके विश करते थे या फिर पहले के टाइम में ना जाकर विश करते थे सर अलकुम सर ईद मुबारक सर आप कैसे हैं नहीं यार खैर वाफियत उनके घर जाके लिया करते ठीक है फिर कुछ सालों के बाद में फिर लोग इतने बिजी हो गए इतना टैक्स टैक्स का जमेला इतना ज़्यादा ऑक्युपाइड हो गए सब लोग तब फिर कॉल एटलीस्ट कर लिया करते थे एटलीस्ट कॉल हेलो सर कैसे हैं नहीं है आज भी मैं कुछ कुछ टीचर को जो मैं बहुत अच्छे जानते हैं काफ़ी क्लोज हूँ कुछ कुछ दोस्तों वगैरह काफ़ी क्लोज हो रहे हैं ना तो उनको कॉल करके विश करते हैं आज भी लेकिन अब वो भी ट्रेंड ख़त्म हो गया अब क्या है भैया एक वाट्सअप खत्म हैप्पी बर्फ टू हैप्पी दुर्गा पूजा एंड ऑल हैप्पी बर्थडे टू बस खत्म एक वर्ड और कुछ कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो कि मतलब काफ़ी अच्छा सा मतलब लंबा चौड़ा थोड़ा एक लाइन पर लिखते हैं थोड़ा अच्छा लगता है वो सब भी खत्म हो गया सर अब वो दूर नहीं है सर जब टीचर को बोलेंगे अब चुप चल हट क्या ऐसे 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 में भी बात हो खत्म हो तो गया तो सर रेस्पेक्ट के सारे ही रेस्पेक्ट नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे तो और करेंगे क्या? तो सर स्टार्ट करते हैं सर हम लोग आ, फ्लेक्सिबल बजट एक बार क्वेश्चन समझते हैं सर इसका क्वेश्चन किस तरह का रहता है हाँ बजट तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल पे सर अपने लोग पढ़ चुके हैं जैसे एक बार थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों के पास मैट है प्लीज इसको पढ़िएगा अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो ना उसका थ्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज होना ठीक है भले ही एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जो बेटे अगर तीन पैसे ही वेस्ट करते ऑनलाइन एग्जाम में ना पूरा दुनिया को पता है कि इंडिया वाले सब ऑनलाइन एग्जाम दिए प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम जा रहा है आपका और ये सब जो मार्क्स वगैरह जो आप कर रहा है ना फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन इससे भले ही आप अकेडमिक लेवल वगैरह पे मतलब होता है ना कहीं पर कुछ कंपटीशन वगैरह करना है नहीं वहाँ पर भले ही आपको बेनिफिट मिल जाए लेकिन वैन यू गो इन इंटरव्यू ना कुछ काम नहीं आने वाला है इवन लोग हंसेंगे आपने सीखा क्या तब आपका ना मजाक उड़ेगा इंटरव्यू वगैरह पे बिकॉज वहाँ पर आपके ऊपर में जब नॉलेज के ऊपर में जब आपके ऊपर टेस्ट होगी ना जब नॉलेज के ऊपर में जब आपके ऊपर क्वेश्चन अराइज होगी ना देन उनके ऐसा हो रोग उस वक्त सर तू पढ़िए थोड़ा सा पढ़िए बताएं कि ऑनलाइन है जो भी है नहीं एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए अपने लिए पढ़िए जितना ज़्यादा अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आगे चल के कमाएंगे सर यस जितना ज़्यादा खुद के लिए इन्वेस्ट करेंगे आगे उतना ज़्यादा कमाएंगे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बिल गेट्स भाई साहब बोल के गए ने बोला सर ने बोला था इन्वेस्ट इन योर इन्वेस्ट मोर इन योर सेल्फ देन यू विल अर्न मोर ना आइए आगे चल के सर तो है, तो बजट बजट है बेसिकली क्या इज अ फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड प्रायर टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम ठीक है मतलब आने से पहले एक पीरियड आने से पहले आप उसका बजट को बनाते हैं वो बजट को अपने लोग फिर एक्चुअल में कंपेयर करके देखते हैं कि फायदा हुआ नुकसान हुआ

और वो पूरा कंप्लीट उसी टारगेट के हिसाब से करता है जितने भी बैंक पकड़ लो इंश्योरेंस पकड़ लो सेल्स पकड़ लो जितने भी बिजनेस मैन हैं जितने भी बिजनेस है सब अपने सेल्स टीम को क्या देते हैं सर टारगेट देते हैं भैया तो इतना टारगेट है ये टारगेट को अचीव वो टारगेट को ही बेसिकली क्या बोलते हैं बजट क्या बोलते हैं बजट मतलब ऑन पेपर फॉर्म में ना उसी टारगेट को क्या बोला जाता है बजट तो बजट के हिसाब से ही लोग काम करते हैं हमारा इंडिया में बजट आता है ना तो बजट के हिसाब से अपने लोग अगला साल का टैक्सेशन प्लान वगैरह ज्यादा चेंजेस वगैरह आते हैं ना सर ये बजट का फॉर्म था तो कितने सारे बजट के पार्ट है एक बार रीड करिए देखिए क्या क्या होता है बजट दैट इज बेस्ड ऑन स्कोप स्कोप के हिसाब से क्या है सर फंक्शनल बजट और मास्टर बजट नाउ फंक्शनल बजट में ही हमारा मेन सारा चीज़ आता है ठीक है और इफिशियंसी के हिसाब से सर फ्लेक्सीबल बजट और फिक्स बजट ये जरूरत नहीं अपने लोग फ्लेक्सीबल देखेंगे बेस्ड ऑन दी कंडीशन बेसिक बजट है जो कि नॉर्मल बजट हो गया करेंट बजट वगैरह हो गया पीरियड के हिसाब से सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये सब हमारा पार्ट नहीं है सिलेबस में जस्ट एक आइडिया देने के लिए दिया हूँ न सर फंक्शनल बजट में जो आपको पढ़ना है जो अपने को सीखना है थोड़ा सा पार्ट है कभी कभी एग्जाम में देता है वो है सर मटेरियल लेबर और सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट लेबर नहीं आता है ज़्यादातर लेबर नहीं आता ठीक है लेबर नहीं आता है मटेरियल प्रोडक्शन और सेल्स बजट और यहाँ पर आपको सीखना है सर फाइनेंशियल बजट में कैश बजट सीखना है और फ्लेक्सिबल बजट दैट इज मेनली ये आता है या तो ये छोड़ के फ्लेक्सिबल बजट मतलब ये बजट से हर साल क्वेश्चन देता है ना तो एक क्वेश्चन या तो कैश बजट से रहेगा या एक क्वेश्चन आपका फ्लेक्सिबल बजट से रहेगा और फिर अगर कभी कभी ये सब भी क्वेश्चन में आ जाती है सेल्स प्रोडक्शन और मेटेरियल बजट से ठीक है तो सर कैश बजट हो गया सर ठीक है प्रोडक्शन बजट अपने लोग देखेंगे पहले आइए सर बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी

अटेन दी एट ऑफ कम्पेरिजन बिटवीन दटेड एंड एक्चुअल फिक्स बजट आर एस्टैब्लिशली फॉर ए स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड ये पूरा एक साल का नहीं बनाया जाता है कुछ पीरियड के लिए बनाया जाता है मोस्ट जो हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबल बजरियबल और स्लाइडिंग स्केल बजट इट इज द बजट विच इज डिजाइन टू फर्निश डिजाइन टू फर्निश कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेन नहीं समझ में

जिसको प्रोडक्शन कैपेसिटी बोलते हैं क्या बोलते हैं बताइए प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब ऑन करेंट प्रोडक्शन लेवल मैंने बताया था ना प्रोडक्शन लेवल कि आपका टेन थाउजेंड यूनिट बनाना है हंड्रेड परसेंट के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी है लेकिन अभी आप वो बना रहे हो पांच हजार के हिसाब से पांच हजार के हिसाब से मतलब आपका जो बिजनेस आपका जो कॉस्ट निकला है वो विच कैपेसिटी पे है वो फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल बजटेड कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना टोटल कॉस्ट अराइव करके रखे हो राइट वॉट इफ डिमांड इफ यू हैव टू प्रोड्यूज दूनिट एट कैपेसिटी लेवल ऑफ मोर देन फिफ्टी परसेंट 50%? फिफ्टी परसेंट से ज्यादा में अगर आप करोगे सिक्सटी परसेंट में करोगे सेवेंटी परसेंट में करोगे उस वक्त में आपका कॉस्ट कितना रहेगा ये पहले से ही अपने लोग बना के दैट्स कॉल फ्लेक्सीबल ठीक है आप समझ में आया तो?

इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज़ एग्जाम में थ्रिटिकल ये आता है फिक्स एंड फ्लेक्सीबल बजट का कैश बजट हमारा ऑलरेडी हो चुका है ठीक है इसको प्लीज़ एक बार जो आपका थ्योरिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको गो थ्रू करिएगा ठीक है हमारा जो था वो रिसीप एंड पेमेंट के हिसाब से था मतलब कैश बजट में भी बहुत सारा है तो रिसीप एंड पेमेंट अपने लोग सीखा है एडजस्टेड पी और ये बैलेंस शीट फोरकास्ट ये अपने लोग नहीं पढ़े ओके सर सॉरी थोड़ा बहुत ज्ञानबाजी के लिए आप लोगों को तो ज्ञान देने से फ़ायदा ही नहीं है सर आप लोगों को तो क्या चाहिए सिर्फ प्रैक्टिकल चाहिए सर बस यही इससे ये एक तो सम दे दो यही वाला एक सम दे दीजिए सर और इसको एक फॉर्मेट बता दीजिए फॉर्मेट में ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं इतना ये आया है और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क दे दीजिए बस कहानी ख़त्म है ना इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए हम ज़्यादा नहीं नहीं हम बहुत हो गया जितना चाहिए उतना ही आ रहा है सीरियसली बता रहे मज़ा नहीं, नहीं आ रहा है जब सा लग रहा है क्या आप लोगों का रिएक्शन नहीं पाते हैं न सर लगता है रिएक्शन दिखने में आप लोगों का आप लोगों का क्यूट सा फेस दिखने में कभी कभी उसको कंफ्यूज करने में बड़ा मज़ा आता है हमको मिस कर रहे हैं सर बहुत ज़्यादा ये सब सिचुएशन रहता है ना तो बहुत गु़स्सा आता है जब दीदी ये वाला जब अनाउंसमेंट आया था ना तो सबसे सब ज़्यादा टेंशन में और ईद के बाद से हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है एक्सपेक्ट करके रखा चलिए सर एक बार ये क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को रीड करिए प्लीज क्या लिखा है पढ़िए एक बार दिविंग डेटा फॉर अ सिक्सटी परसेंट एक्टिविटी प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन एट एट्टी कैपेसिटी एंड हंड्रेड कैपेसिटी ठीक है और बोल रहा है कि प्रोडक्शन एट सिक्सटी परसेंट एक्टिविटी मतलब आपको बोल रहा है कि बेस ऑन फॉलोइंग डेटा फॉर अर्सेंट एक्टिविटी मतलब सिक्सटी परसेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से ये बना हुआ है और सिक्सटी परसेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से ये जो बना हुआ है उसका ये सारा डिटेल है मतलब ये सारा डिटेल जो भी है ना ये सारा डिटेल ये मटेरियल ये है लेबर वगैरह ये, ये, ये सब ये सब ये सब पूरा जो डिटेल है ना ये पूरा डिटेल कितना परसेंट में है सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी के हिसाब से है क्लियर है तो इसके हिसाब से आपको एक कॉस्ट बनाना है करेक्ट है और फिर इसी के इसी के बेसिस से इसी के बेसिस से वी हैव टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर एट एट्टी परसेंट कैपेसिटी एंड एट हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी ये तो है टोटल कॉस्ट निकालना है एट एट्टी परसेंट कैपेसिटी पे और हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पे यही हमारा आंसर ठीक है और 60 परसेंट कैपेसिटी के हिसाब से हमारा यूनिट कितना है सर 600 यूनिट है ठीक है तो आपको ये समझना है कि अगर 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 60 परसेंट कैपेसिटी के हिसाब से हमारा जो यूनिट है हमारा जो यूनिट है वो 600 यूनिट है तो सर 80 परसेंट और 100 परसेंट कैपेसिटी पे कितना होगा समझ रहे हैं एट्टी और हंड्रेड कैपेसिटी पर कितना होगा तो अगर मैं यहीं पर करूँ थोड़ा सा गंदा कर रहा हूँ अगर छः यूनिट है सर सिक्सटी कैपेसिटी पे है ना तो सर 800 यूनिट के लिए कितना होगा तो 800 यूनिट के लिए सॉरी 80 परसेंट यूनिट के लिए कितना होगा 80 परसेंट यूनिट के लिए हो जाएगा सर 800 सौ सौ डिवाइड बाई सिक्सटी इन हंड्रेड तो एक हज़ार हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पे आ गया हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी के हिसाब से आपके पास टोटल यूनिट कितना होगा एक यूनिट और एट्टी कैपेसिटी के हिसाब से यूनिट कितना हो गया आठ यूनिट हो गया तो ये आपको समझना पड़ेगा तो आपको बेसिकली प्रोडक्शन लेवल निकालना है सॉरी आपको प्रोडक्शन लेवल निकालना है एट सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी ठीक है वो आप टोटल कॉस्ट निकालोगे फिर एट्टी परसेंट कैपेसिटी और फिर हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी सर क्लियर है तो क्वेश्चन सर ये बहुत ईजी है आई एम सो सॉरी कि मैं ये ढांक दिया ना अब ठीक है देखिए ये सर मटेरियल कितना है मटेरियल है सर रुपीज हंड्रेड पर यूनिट है ना अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो हमारा मेन सीन है ना सर मेन जो हमारा पार्ट है जो फ्लेक्सिबल बजट में आपको समझना है वो हमें समझना है ये आप लोग को देख रहा होगा तो हमको मेन मेन समझना है। वो है वो बेसिकली बेटा कॉस्ट में दो तरह का कॉस्ट होता है एक होता है फिक्स कॉस्ट रिमेंबर ये अपने लोग कर चुके हैं और एक होता है बेटे वेरिएबल कॉस्ट एक होता है फिक्स कॉस्ट एक होता है वेरिएबल कॉस्ट ठीक है तो दो तरह का कॉस्ट होता है सर एक होता है फिक्स कॉस्ट एक होता है वेरिएबल कॉस्ट ठीक है नाउ फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों में बताया था फिक्स कॉस्ट ऑलवेज अमाउंट जो रहता है टोटल अमाउंट जो रहता है डेट इज़ फिक्स रहता है वो प्रोडक्शन का कैपेसिटी के हिसाब से वो चेंज नहीं होता है मतलब प्रोडक्शन का यूनिट के हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से ये चेंज नहीं होता है ये चेंज नहीं होता जबकि वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट जो है ये वेरी करता है ये चेंज होता है एज पर दी प्रोडक्शन, एज पर दी प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा वेरी ऑन प्रोडक्शन जैसे अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है ठीक है और प्रोडक्शन अगर डिक्रीज करता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटता है फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है ठीक है और ये प्रोडक्शन के हिसाब से ये मेरा चेंज होगा दिस इज द पॉइंट ये मैं आपको समझा मतलब सर मतलब मतलब तो बताओ क्या बता रहे हैं मतलब बता रहे हैं रुक तो सपोज मान लो कि अगर अगर 100 यूनिट पे अगर 100 यूनिट पे मेरा फिक्स कॉस्ट जो है वो है दस हजार वेरिएबल जो है वो भी है मेरा दस हजार तो इसके हिसाब से पर यूनिट कितना हो गया दस 10 रुपया सौ रुपया इसके हिसाब से भी पर यूनिट कितना हो गया सौ रुपये ठीक है नाउ इफ मेरा यूनिट चेंज होके मेरा यूनिट चेंज होके सपोज तीन सौ यूनिट हो गया कितना हो गया ये ये मेरा तीन सौ यूनिट होगा क्या तो इम्पैक्ट होगा समझ में आ रहा ना क्या इम्पैक्ट होगा तो इम्पैक्ट ये होगा ना सर ये जो दस हजार है ना ये एज इट इज फिक्स में क्या रहेगा सेम रहेगा एग्जाम्पल आप उसको चार सौ पकड़ लो उधर वैसे राउंड फिगर में आ जाए सपोज ये चार सौ हो गया तो ये दस हजार एज इट इज सेम रहेगा जबकि जबकि यहाँ पे प्रोडक्शन के हिसाब से वो मेरा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पर यूनिट चेक करना है तो पर यूनिट हंड्रेड था सौ यूनिट के दाम पे राइट सौ यूनिट के लिए एक यूनिट का दाम सौ रुपया था तो चार सौ यूनिट जब हुआ तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा चालीस हजार हो जाएगा यही समझना आपका तो प्राइस चालीस हजार होगा यही समझना है आपको सर ना इससे ज्यादा ना इससे यही जानना तो एक्चुअल में हुआ क्या एक्चुअल में ये हुआ कि यहाँ के हिसाब से यहाँ के हिसाब से ये जो मेरा है यहाँ के हिसाब से ये जो मेरा दस हज़ार है ये एज इट इज़ फिक्स रहा और यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहा ना सर ये जो मेरा सौ रुपया है ये मेरा सेम रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट क्या रहता है सर सेम रहता है ठीक है और फिक्स कॉस्ट में याद रखेगा अमाउंट हमारा सेम तो यहाँ पे ये दस हज़ार रुपया था और ये दस हज़ार ये दस हज़ार डिवाइडेड बाय सौ के हिसाब से कितना हो गया ये मेरा अभी पच्चीस रुपये हो गया सर है ना तो ये पच्चीस रुपया हो गया तो मैनेजमेंट का कॉस्ट कितना होगा अगर आप मैनेजमेंट का कॉस्ट देखेंगे तो मैनेजमेंट जब सौ यूनिट बनाता था तो उसका प्राइस था बीस रुपया बीस हज़ार और अभी वो चालीस हज़ार वो अगर कमा रहा है तो इसका टोटल कॉस्ट जो हो गया वो हो गया पचास हज़ार ठीक है आपको लग रहा है सर ज्यादा हो गया नहीं एक्चुअल में कॉस्ट कम हो गया कैसे बीस हजार को अगर आप डिवाइडेड बाय सौ यूनिट करोगे तो इसका पर प्राइस आएगा बीस रुपया दो सौ रुपया पर यूनिट देखिए पचास हजार हो गया राइट हजार डिवाइड बाई चारो कर दोगे डिवाइड बाय चार सौ तो टोटल यूनिट कर दोगे तो इसका प्राइस घट के कितना हो गया एक सौ पच्चीस रुपया पर यूनिट सर दिन ट्वेंटी फाइव रूपीज पर यूनिट तो घट गया ना कॉस्ट यस तो कॉस्ट घट गया वो कैसे घटा कॉस्ट जो घटा है सर वो कैसे कॉस्ट घटा बताइए कॉस्ट घटा है किसके वजह से कॉस्ट घटा है वेरिएबल कॉस्ट के वजह से नहीं कॉस्ट किसके वजह से घटा है कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के वजह से नहीं घटा कॉस्ट मेरा घटा है फिक्स कॉस्ट कम होने की वजह से यस बिकॉज फिक्स कॉस्ट कम हो जाता है जैसे आप प्रोडक्शन इनक्रीज करें दिस इज द ट्रैक्टिस दैट जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो प्रॉफिट कमाती है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट वो होता ही नहीं है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑफ रिडक्शन कॉस्ट तो वो लोग फिक्स कॉस्ट स्टार्टिंग में लगाते हैं इन्वेस्ट करते हैं लमसम मनी बैंक वगैरह से लोन लेके पूरा सेटअप कर लेते हैं वंस जब उनका प्रोडक्शन कैप्चर हो जाता है मार्केट कैप्चर हो जाता है डिमांड कैप्चर होता है जब उनका प्रोडक्शन फ्लो करता है ना वेन इट इट फ्लो और जैसे वो प्रोडक्शन उनका बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो इवेंचुअली उनका फिक्स कॉस्ट कम हो जाता है इवेंचुअली उनका फिक्स कॉस्ट कम होता है और जब फिक्स कॉस्ट कम होता है तो उसकी वजह से उसके वजह से उनका जो टोटल कॉस्ट है वो जो टोटल कॉस्ट है वो खुद ब खुद घट के कम होने लगता है जैसे ही वो कम होने लगता है तब मैनेजमेंट ऑटोमेटिक प्रॉफिट कमाना लग जाता है तब मैनेजमेंट ऑटोमेटिक क्या करती है सर प्रॉफिट कमाने लग जाती है ठीक है तब मैनेजमेंट प्रॉफिट कमाती है स्टार्टिंग तो में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीस है वन और टू ईयर्स फाइव ईयर दे आर गेटिंग इन लॉसेस वो लॉस में जाता है लेकिन दे हैव एबिलिटी जैसा ओला उबर वगैरह था स्टार्टिंग में इन्वेस्ट काफी किया लॉस में चल रहा था बट राइट नाउ अभी लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम होगा नहीं अदरवाइज उन का फ्यूचर क्या है फ्यूचर में सर प्रॉफिट कमाने का स्ट्रैटेजी है पहले पैसे लगाओ इन्वेस्ट करो अच्छे काम करो गुडविल बनाओ मार्केट बनाओ मार्केट, मार्केट एक्वायर करके प्रोडक्शन करो जब तो प्रोडक्शन फ्लो हो गया प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया सब कुछ सेट हो रहा है तब धीरे धीरे आपका प्रॉफिट होना चाहिए क्लियर है तुम्हारा फ्लेक्सिबल बजट में सर यही चीज़ याद रखना है क्या याद रखना है बताइए कि फिक्स कॉस्ट में अमाउंट फिक्स रहता है अगर आप चेक करोगे ना फिक्स कॉस्ट में अमाउंट चेंज नहीं हुआ जो पर यूनिट है वो चेंज हो जाता है कम हो जाता है डिक्रीज हो जाता है जैसा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा फिक्स कॉस्ट चेंज होगा कम होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है और इसी के बेसिस से अपने लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो उसका कॉस्ट भी क्या होगा बढ़ जाएगा दस से चालीस हो जाए क्लियर हो गया सर यही चीज समझना है अब यही अंडरस्टैंडिंग अपने लोग को अप्लाई करना है सर अपने लोग को अप्लाई करना है यहाँ पे यहाँ पे अप्लाई करना है ठीक है आइए सर पढ़ते हैं क्वेश्चन को विद द फॉलोइंग डेटा फॉर अ सिक्सटी परसेंट एक्टिविटी प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन एट एट्टी परसेंट एंड हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी प्रोडक्शन एट सिक्सटी परसेंट एक्टिविटी का मतलब छः सौ यूनिट था तो एट्टी परसेंट में आठ सौ होगा और एक सौ परसेंट का मतलब एक हज़ार में कितना होगा तो सर मटेरियल और लेबर में कुछ लिखा नहीं है आपको जानना है सिर्फ दो चीज कि वो कॉस्ट कितना पर यूनिट है और वो फिक्स है या वो वेरिएबल है ये समझना है अगर वेरिएबल रहा देन वी हैव हाँ टू कैलकुलेट ना वो जो डिफरेंस जो आप लोगों को मैं बताया था चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट उसके हिसाब से निकालना बट आपको बेसिकली निकालना है कौन सा कॉस्ट फिक्स है कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है यही समझना है क्लियर है वो क्वेश्चन में बता देता है हर एक केस में सिर्फ मेटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में याद रखिएगा दिस आर वेरिएबल एक्सपेंसेस ये हमेशा वेरिएबल होगा ये ऑलवेज वेरिएबल होगा आपको क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले बट दिस हैज़ टू बी एज्यूमड एज वेरिएबल बिकॉज इट इज द वेरिएबल एक्सपेंस ये वेरिएबल ही रहेगा क्लियर है बिकॉज मटेरियल जितना लगेगा आप उतना लगाओगे ना सर कम लगेगा ज्यादा लगाओगे नहीं नहीं दस हज़ार यूनिट दिया था बटाई करना होगा पहले पहले दस के लिए दस हज़ार यूनिट देते हो तो अभी एक लाख के लिए भी दस हज़ार यूनिट जाएगा क्या ऑब्वियसली वो तो इंक्रीज करेगा ना तो मटेरियल लेबर ऑलवेज वेरिएबल लेबर रेट होता है तो so, सर दो चीज़ हमारा देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी ये है ये चालीस हज़ार ये बोला है फोर्टी परसेंट फिक्स है ठीक है ये चालीस हजार ये बोला है ये मेरा फोर्टी परसेंट फिक्स है तो so, सर इसका आप दो पार्ट अगर आप करोगे तो चालीस हजार का फोर्टी परसेंट कितना हो जाता है चालीस हज़ार का फोर्टी परसेंट हो जाता है सोलह हज़ार ये मेरा फिक्स हो गया और ती और फिर चालीस हजार का सिक्सटी परसेंट कितना हो जाता है चौबीस हज़ार ये मेरा वेरिएबल हो गया चालीस में से सोलह हज़ार फिक्स पोर्शन है वेरिएबल पोर्शन ट्वेंटी फोर थाउजेंड है अगेन अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में तीस हज़ार तीस हज़ार में से सिक्सटी परसेंट बोला है फिक्स मतलब अट्ठारह हज़ार मतलब अट्ठारह हज़ार जो है वो मेरा फिक्स है और बारह हज़ार जो है बेटा वो मेरा वेरिएबल ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको टोटल कॉस्ट निकालना है चलिए इसको जल्दी से करते हैं तो सर ये क्वेश्चन बनाएंगे अपने लोग फॉर्मेट कैसा है सर हाँ सर बता रहा हूँ फॉर्मेट ही तो मेन है ना सर फॉर्मेट तो सर टोटल जो है ना छः कॉलम होंगे छः ठीक है कैसे मैं बताता हूँ एक हो गया कॉलम पर्टिकुलर का एक हो गया सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी और एक जो हो जाएगा ना सर एट्टी परसेंट पासवल हंड्रेड परसेंट ये हो गया सिक्सटी परसेंट परसेंट हंड्रेड परसेंट यहाँ पर सर एक कॉलम हो गया पर यूनिट का कॉलम अमाउंट का कॉलम पर यूनिट का और एक कॉलम अमाउंट का सर बट ये हो गया प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड हो जाएगा थ्री परसेंट आठ सौ ऊपर में यहां पर बेटा लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट फोर दीप पीरियड का एक होता है कि जितना भी वेरिएबल आप पहले बैठा दो और जितना भी फिक्स है आप यहाँ पे बैठा दो और एट द एंड में टोटल निकाल लो मैं पैटर्न बता रहा हूँ जितना भी वेरिएबल है आप पहले बैठा दो फिर जितना भी फिक्स है आप उसको बाद में एड करो फिर नीचे में टोटल निकालो एक फॉर्मेट है या तो फिर दूसरा जिस तरह से कॉस्ट का जैसा फॉर्मेट था ना जैसा अपने लोग कॉस्ट में सीखे हैं मटेरियल फिर लेबर फिर ओवर हेड फैक्ट्री ओवर हेड जिस तरह से अपने लोग आते थे ना वैसे करके कर ठीक है तो एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न आपको बताएगा अगर क्वेश्चन का पैटर्न ऑर्डरिंग में दिया हुआ कॉस्च्यूट का तो वैसे बनाना और क्वेश्चन का पैटर्न अगर वेरिएबल पहले दिया फिक्स बाद में दिया तो वैसे बना सकते ठीक है बट आई वुड प्रीफर कि कॉस्चूट वाला जो मेथड है वो तो आपका फॉर्मेट हो हिसाब से तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट का तो सर सबसे पहले क्या है मटेरियल मटेरियल कितना रुपया सर सौ रुपया पर यूनिट है और लेबर कितना है मटेरियल सौ रुपया पर यूनिट है लेबर फोर्टी रुपीज़ पर यूनिट है और एक्सपेंसेस टेन रुपीज़ पर यूनिट नाउ दिस आर दी वेरिएबल ये मेरा वेरिएबल है सर ये मेरा वेरिएबल एक्सपेंडिचर है ये वेरिएबल है ये बी वेरिएबल है और दस रुपया चालीस रुपया सौ रुपया चालीस रुपया दस रुपया। चलिए तो सर यहाँ पे आते हैं लेकिन देख रहे हैं आप लोग सबसे पहले यहाँ पे बैठाएंगे मटेरियल ठीक है ये मेरा यूनिट में यहाँ पर कितना रुपया था सौ रुपया हो जाएगा सर लेबर कितना रुपया था सर चालीस और यहाँ हो जाएगा एक पेंसे. कितना सर मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस ये 600 यूनिट पे हैं तो सौ रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा साठ हज़ार मेरा तो चौबीस हज़ार छः हज़ार यही सेम देखिए वेरिएबल है ना तो वेरिएबल में पर यूनिट ऑलवेज़ क्या रहता है सेम रहता है तो यहाँ पर भी सेम बैठेगा सौ रुपया चालीस रुपया यहाँ पर भी दस रुपया और यहाँ सौ चालीस तो ये हो जाएगा सर अस्सी हज़ार हो जाएगा ये हो जाएगा सर आठ हज़ार होगा चालीस है ना अब ये सारा को जोड़ देते हैं ये मेरा निकल जाता है प्राइम कॉस्ट करेक्ट आप लिख देते प्राइम कॉस्ट ये हो गया 150 सौ पचास सौ तो पचास इंटू साठ ये हो जाएगा नब्बे हजार रहेगा एक लाख बीस जो सो इजी so हमारा प्राइम कॉस्ट हो गया सर आगे क्या है आगे सर आगे में लिखा फैक्ट्री एक्सपेंसेस फोर्टी परसेंट फिक्स इट मीन सिक्सटी परसेंट इज वॉट वेरिएबल तो यहां पर सर कैसे करके दिखाएंगे यहां पे लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इसमें लिखना तो बोर्ड में फिर वही ना क्वेश्चंस वगैरह में पैरेलली। ले तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आप पहले लिखोगे वेरिएबल और फिर लिखोगे फिक्स आप चेक कर लो फिक्स कितना परसेंट था फिक्स था फोर्टी तो परसेंट मीन सिक्सटी परसेंट वेरिएबल है राइट यहाँ वेरिएबल में जाएगा सिक्सटी परसेंट और यहाँ जाएगा फिक्स में फोर्टी परसेंट और अमाउंट कितना रुपया था चालीस हज़ार रुपया टोटल अमाउंट था बेस्ड ऑन दी हंड्रेड यूनिट कैपेसिटी के हिसाब से तो चालीस हज़ार का फोर्टी परसेंट सोलह हज़ार यहाँ आ गया और सिक्सटी परसेंट चौबीस हजार यहाँ आ गया हैं। देखो यही मेन है एक सीख जाओगे सब कर लोगे एक सीखना है बस चालीस तो हजार था फोर्टी परसेंट फिक्स है सोलह हजार सोलह हजार रुपया ठीक है फोर्टी तो परसेंट अपने लोग यहाँ पे डाल दिया सोलह हजार रुपया और बाकी का सिक्सटी परसेंट अपने लोग यहाँ पे चौबीस हजार रुपया डाल दिए तो टोटल चालीस हजार अलग अलग अब क्या समझना है अब समझना ये है कि जो फिक्स है सोलह हजार ये हर जगह क्या रहेगा ये हर जगह सेम बैठेगा सो ये सेम बैठेगा लेकिन वेरिएबल में चौबीस हजार सेम नहीं रहेगा तो चौबीस हजार का अपने लोग पर यूनिट निकाल देंगे तो चौबीस हजार का कितना यूनिट पे वो था देखो छह सौ यूनिट पे था राइट तो चौबीस हजार डिवाइडेड बाई 600 कितना होता है 400 चालीस रुपया कितना रुपया चालीस रुपया तो यहाँ पे अपने लोग बैठाएंगे चालीस रुपया यहाँ पे अपने लोग सर चालीस रुपये बैठा देंगे अब ये चालीस रुपया जो पर यूनिट है ये हर में सेम रहेगा राइट ये फोर्टी रुपीज यहां पर भी बैठ गया रुपीज यहाँ इस तरह से करना। है फिर से बता देता हूँ तो मैंने क्या किया मैंने किया कि चालीस हजार जो था टोटल फिक्स था उसमें लिखा था फोर्टी परसेंट फिक्स फोर्टी परसेंट जो फिक्स था उसको मैंने अलग सोलह हजार यहां पे दिखाया कि यहां पे मैंने सोलह हजार रुपया दिखा दिया सोलह हजार था, था वो हर किसी में सेम रहेगा सोलह हजार मेरा आठ सौ में भी सेम रहेगा और हजार में भी सेम रहेगा बिकॉज कॉस्ट है ठीक है लेकिन जो चौबीस हजार है वो वेरिएबल है वो अमाउंट सेम नहीं रहता उसका यूनिट सेम रहता है चौबीस तो हजार को डिवाइड बाय सिक्स हंड्रेड से करके पर यूनिट निकाला मैंने विच इज रुपीज फोर्टी पर यूनिट तो एक यूनिट पे चालीस रुपया है तो छह सौ आठ सौ हजार सब में सेम लगेगा तो चालीस रुपया मैंने यहाँ दिखा दिया यहाँ दिखा दिया और यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी इंटू आठ हजार ये मेरा कितना हो जाएगा ये मेरा बत्तीस हजार हो जाएगा फोर्टी इंटू वन थाउजेंड ये मेरा चालीस हजार हो जाएगा ठीक है तो टोटल यहाँ चालीस हजार लग रहा था यहाँ पे फोर्टी एट लग रहा है और यहाँ पे फिफ्टी सिक्स लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट हो गया अभी सोलह हजार का अपने पर यूनिट निकाल लेना है तो सोलह हजार डिवाइडेड बाई छोला और यहाँ पे सोलह हजार डिवाइड बाई आठ सौ डिवाइडेड बाय आठ सौ आठ सौ ना ये हो जाएगा बीस रुपया सोलह हजार डिवाइड बाई एक हज़ार ही हो जाएगा सोलह रुपया आप देख रहे हो क्या इंपैक्ट हो रहा है आप इम्पैक्ट देख रहे हो मेरा फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है जिसकी वजह से मेरा टोटल कॉस्ट कम हो गया ना आ हैं और है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा है ना तो इसको अपने लोग जोड़ देते हैं सर इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाता है बताओ हमारा वर्क कॉस्ट निकल जाता है या जिसको आप फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं ठीक है नब्बे हज़ार प्लस चौबीस हजार प्लस सोलह हज़ार ये हो जाएगा एक लाख तीस लाख तीस हजार डिवाइडेड बाय छः सौ जाएगा दो, तो जाएगा? ए, जाएगा दो सौ का रुपया सिक्स सेवन ठीक है जुड़ेगा जी ये मेरा हो जाएगा दो सौ बत्तीस हज़ार प्लस डिवाइडेड बाई हंड्रेड एक भी कर लेते हैं एक लाख चालीस हज़ार प्लस चालीस हज़ार प्लस फिर आ गया सर वन लाख थाउजेंड सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड हो जाएगा वन नाइन्टी वन नाइन्टी हो गया अब सर वर्क कॉस्ट के बाद अब कौन सा कॉस्ट बचा है एक और बताओ आई होप मुझे लगता है कुछ लोग कंप्लीट कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तीस हज़ार है जिसमें सिक्सटी परसेंट फिक्स है मतलब फोर्टी परसेंट वेरिएबल तो नेक्स्ट में सर आप वहाँ पे बैठा हो नेक्स्ट में बैठा हो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसि एक्सपेंसेस के अंदर में आपने वेरिएबल अब यहाँ पर आप चेक करो फिक्स कितना परसेंट फिक्स बोला सिक्सटी परसेंट वेरिएबल फोर्टी परसेंट तो आप यहाँ पर फिक्स बैठा दो सिक्सटी परसेंट फिक्स बैठाएंगे सर बैठाएंगे टोटल अमाउंट कितना साठ हज़ार तीस हजार तो कैसे करना है सर बताओ कैसे करना? कैसे करना है तीस हज़ार का सिक्सटी परसेंट कितना हो जाता है अठारह हज़ार तीस हज़ार का फोर्टी परसेंट हो जाता है सर बारह हज़ार ठीक है गया अब ये जो अठारह हज़ार है ये मेरा फिक्स रहा अभी अठारह हज़ार जो है ना ये मेरा फिक्स रहा अठारह हज़ार ये मेरा फिक्स रहा ये अठारह हज़ार सब बेसेम रहे अठारह बिकॉज ये फिक्स है और बारह हज़ार का अपने लोग उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो बारह हज़ार छः सौ यूनिट पे था कितना हो गया बीस रुपये पर यूनिट ये सब में सेम रहेगा कर लो आप बीस इंटू आठ कितना हो जाएगा ये बीस हज़ार कितना हो जाएगा अठारह हज़ार डिवाइडेड बाय 600 ये मेरा हो गया तीस अठारह हज़ार डिवाइडेड बाय आठ सौ ये मेरा सर निकल गया ठीक को अपने लोग बोल देते हैं सर या तो अगर आगे और भी कॉस्ट हो सकता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी बट वो दिया नहीं है यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा या तो यही मेरा टोटल कॉस्ट है अब आप जोड़ दो कितना आता है एक लाख तीस हज़ार प्लस तीस हज़ार एक लाख साठ हज़ार और दो लाख सोलह पॉइंट सिक्स सेवन प्लस आएगा टू पॉइंट आप अप्रोक्स ज़्यादा भी कर सकते हो Again.